वे पृथ्वी पर सबसे घातक चीज हैं। वे आपका खून चूसते हैं और बीमारी फैलाते हैं और लगभग हर साल 1 मिलियन लोगों को मार देते हैं। क्या हम वैम्पायर्स की बात कर रहे हैं, शेरों की, गोरिल्ला की? असल में इनमें से किसी की नहीं, हम मच्छरों की बात कर रहे हैं। क्या मच्छर सच में इतने घातक हैं? अगर वे सब गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या इससे मानव जाति बेहतर हो पाएगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम सारे मच्छरों को मार दें। एक छोटा सा कीड़ा इतना घातक हो सकता है, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर ये सच है। मच्छर मलेरिया, पीला बुखार जैसी बीमारियां और डेंगू के वायरस को भी फैलाते हैं। मच्छर जिन्हें कोई विशेष बीमारी है उन्हें काटकर और फिर आपको काटकर आपके शरीर में अपनी लार पहुंचाकर ऐसा करते हैं। ये लार फिर आपके खून में घुस जाती है, जिससे आप उस वायरस या बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं जो कि उस मच्छर ने उठाए हैं। वे सिर्फ मनुष्यों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, विश्व भर में जानवर और खेतों के मवेशियों को भी मच्छरों से बहुत नुकसान पहुंचता है। उनका एक बार काटना ही जानलेवा हो सकता है। तो हम इन कीड़ों से पीछा कैसे छुड़ाएं? सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि पूरे विश्व में कितने मच्छर हैं। ये पता करना बहुत कठिन है। ऐसा अनुमानित है कि अकेले अलास्का में ही इनकी गिनती 7 ट्रिलियन है। हाँ, अलास्का, ये सही है। ग्लोबल वार्मिंग और महासागरों का तापमान बढ़ने की वजह से मच्छर ऐसी जगहों में रह सकते हैं, और विश्व भर में कई ट्रिलियन मच्छर और हैं। हम बहुत से तरीकों से उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। चमगादड़ बिना किसी खतरे के मच्छरों को खाते हैं। वे 1 घंटे में 600 मच्छरों को खा सकते हैं। तो अगर हमारे पास काफी चमगादड़ हो तो वे प्रभावशाली तरीके से विश्व भर के मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। पर फिर हम आसमान में इन कई बिलियन चमगादड़ों से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? शायद ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो है कि मच्छर प्रजनन कैसे करते हैं। आपको लगता होगा कि वे आपका खून इसलिए चूसते हैं क्योंकि हमारा स्वाद अच्छा होता है और वे भूखे होते हैं, पर असल में अपना पेट भरने की जगह वे ऐसा अपने लार्वा के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी तरह अपने खून से पीछा छुड़ा लें, रुकिए, मुझे पता है ये कहां जा रहा है। हाँ, ये तरीका भी काम नहीं करेगा। इन विकल्पों की जगह हमें शायद अनुवांशिक रूप से बदले हुए नर मच्छरों को छोड़ने की जरूरत होगी, जो काटते नहीं हैं और सिर्फ अनुपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। ऐसा करने में कई साल लग सकते हैं, पर कई अनुवांशिक रूप से बदले हुए मच्छरों के अनुपजाऊ संतान पैदा करने के साथ अंत में मच्छर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अब जब वो चले गए हैं तो आगे क्या होगा? कई मिलियन लोग हर साल न बीमार पड़ेंगे और न मरेंगे। आप गर्मियों में मच्छरों के काटे जाने के डर के बिना बाहर रहने का आनंद उठा सकते हैं, और जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। ये सही है, अगर हम मच्छरों से पीछा छुड़ा लें तो कई बुरी चीजें नहीं होंगी, पर जीवन चक्र और बाकी चीजों का क्या होगा? क्या मच्छर फूड चेन में अपना सहयोग नहीं देते? निश्चित रूप से कई चिड़िया, चमगादड़ और मेंढक बहुत सारे मच्छर खाते हैं, पर वे दूसरे जानवरों की डाइट का एक बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा नहीं है, और ये जानवर मच्छरों के बिना जिंदा रह सकते हैं। और भले ही मच्छर पौधों का पॉलिनेशन करते हैं, पर यह इस प्रजाति को जिंदा रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण और पर्याप्त नहीं है। पर फिर भी मच्छरों से पीछा छुड़ाना क्या सही चीज है? आखिरकार हमें पूरी प्रजाति से पीछा छुड़ा लेंगे? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मच्छरों की कई हजार प्रजातियां हैं, पर इनमें से सिर्फ 6% ही हमें काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि मच्छर अमेज़न रेनफॉरेस्ट को बचाने में भी मदद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इतने जानलेवा होते हैं कि रेनफॉरेस्ट के पेड़ काटने वाले लोगों को दिक्कत दे सकते हैं। ऐसे में कई बार ये कीड़े असल में उन्हें पेड़ काटने से रोकते हैं और एक क्षण के लिए स्वाभाविक होकर देखते हैं। मानवीय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, शायद मच्छर हमें इस जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में मदद कर रहे हैं। रुकिए, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाकई में सबसे अच्छी चीज होगी। कम बीमारियां होंगी, कम लोग मरेंगे और बहुत कम नकारात्मक परिणाम होंगे।
पर क्या हो अगर मच्छरों के खत्म होने की जगह पृथ्वी की आधी जनसंख्या एक क्षण में खत्म हो जाए? ये एक दूसरे क्या हो अगर की कहानी लगती है।